विचार की शक्ति से तर्क, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एक व्यक्ति परमाणु का भी विभाजन कर सकता है, परमाणु को भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मानवता के लिए खतरा बन सकता है। बिना प्रेम को जाने ऐसी शक्ति विनाश का कारण बनती है, दुनिया में तबाही लेकर आती है। फिर ये चाहे तबाही व्यक्ति अपने ही भीतर करे, अपने घर में करे, दो देश जैसे लड़ते हैं। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। आज का जो विषय है, ये जो बहुत ही सीरियस सीकर होते हैं, जो अपने जीवन में शांति, प्रेम और ध्यान को जानना चाहते हैं, जो अध्यात्म के बहुत गहरे से गहरे अर्थों को जानना चाहते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान पूर्वक सुनने से मेरा मतलब है, शब्द सत्य नहीं है। परिभाषा, चाहे वो किताब से हो, इंटरनेट से ली गई हो, चाहे वो कृष्णमूर्ति के मुंह से निकली हो, या किसी के भी मुंह से निकली हुई कोई भी परिभाषा या शब्द, वो सत्य नहीं है। हमें अपने भीतर कुछ ऐसा खोजना है। ध्यान दे, मैं यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, खोजना। ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन बहुत गहरा नहीं जानते। तो आज का जो मेरा प्रयास है वो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर है। तो सबसे पहले कृष्णमूर्ति के एग्जैक्ट शब्द यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, थॉट विद इट्स इमोशनल एंड सेंसेशनल कंटेंट इज नॉट लव। अब देखा जाए तो बड़ी गहरी बात कह दी उन्होंने कि विचार ने जो अपने भीतर इमोशनल और सेंसेशनल चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं, वो प्रेम नहीं है। कि विचार ने जो अपने भीतर इमोशनल और सेंसेशनल चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं, वो प्रेम नहीं है। अब जो उन्होंने ये बात कही, अगर मैं उनकी इस बात को ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाने लगूं कि ऐसे ये होता है, वैसे वो होता है, क्या ये कुछ ज़्यादा बहुत गहरी बात है, या इससे तुम्हारे साथ सिर्फ एक धोखा होता है? क्योंकि प्रेम और ध्यान कोई फॉर्मूला नहीं है, इतनी सस्ती बात नहीं है। तो यहीं से तुम्हें ऑब्जर्वेशन में डाल रहा हूँ। आत्मावलोकन करें, ऑब्जर्व करें इस बात को। मेरा काम तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। मुझसे बेहतर एक्सप्लेनेशन तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी, कहीं पे भी। लेकिन किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन, परिभाषा, वो सत्य नहीं हो सकती। जो परिभाषा को ही सत्य मान ले, वो कभी ध्यानी नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इन बातों को जल्दबाजी में सुनना है। ये कोई रैट रेस नहीं है, ये कोई भेड़ चाल नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ भीतर गहरा जाने के लिए। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, या कोई और बोल रहा है, या कोई किताब बोल रही है। क्योंकि जो जानने का प्रयास है, ये बहुत लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ये जो प्रयास करना है, तुम भीतर से जिंदा हो, कोई पत्थर नहीं हो। जानने का प्रयास करना मतलब खुद रियलाइज करना, बोध हो जाना। लेकिन हमें ये आदत नहीं पड़ चुकी है कि कोई भी व्यक्ति को हम बस सुनकर मान लेते हैं। बात सही गलत की भी नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सीधे तरीके से कृष्णमूर्ति शायद तुम्हें क्लिक नहीं होंगे। जैसे किसी का कोट पढ़ लिया, किसी किताब में से कोई बात पढ़ ली। जैसे एक सिंपल और साधारण सी बात पूछता हूँ आप लोगों से। जैसे मुझे बहुत समय हो गया कृष्णमूर्ति पे बात करते हुए,
अब उन लोगों ने कुछ बातों को इकट्ठा कर लिया सुन सुनकर। एक सवाल कर लेता हूँ आप लोगों से, एक छोटी सी परीक्षा ले लेता हूँ। जब भी हम ध्यान करते हैं या अध्यात्म की कोई बात आती है, सब एक ही जगह पे आके अटक जाते हैं कि हमें तो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, इन विचारों का क्या करें। तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम बच्चों की तरह चिल्लाते रहते हो, दुखी हो जाते हो कि विचार बहुत आते हैं। सवाल ये है कि विचार असल में है क्या चीज़, ये विचार कहाँ से जन्म लेते हैं। अब कुछ बहुत स्मार्ट लोग होंगे, सुना है पहले कृष्णमूर्ति को उन्होंने, अब वो कहेंगे विचार मेमोरी में से आते हैं। अब इस बात को गहराई से सुनना, जब मैंने ये सवाल पूछा कि विचार कहाँ से जन्म लेते हैं, क्या मुझे ये एहसास नहीं है कि तुम्हारे पास इसका क्या उत्तर होगा। जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ विचार कहाँ से जन्म लेते हैं, क्या तुम इसलिए जवाब दे रहे हो कि कृष्णमूर्ति ऐसा कहते हैं कि विचार मेमोरी में से आते हैं, या फिर तुम्हें भीतर गहरे से गहरा बोध है कि विचारों का जन्म ऐसे हो रहा है। तुम एकदम स्पष्ट देख पा रहे हो अपने भीतर की विचार ऐसे जन्म ले रहे हैं, जैसे माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है, एकदम स्पष्ट है ये बात। बच्चे के जन्म का जो एहसास है वो माँ को हो रहा होता है। क्या तुम्हें पता है कि विचार कहाँ से जन्म लेते हैं। तुम्हारा ये बच्चों की तरह रोने लगना कि ध्यान नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा जीवन में, ये इस बात का सबूत है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ ध्यान अध्यात्म के नाम पे सिर्फ शब्द अपने भीतर इकट्ठा किए हुए हैं। ये शब्द इकट्ठा कर लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है, ये तो एक बच्चा हर रोज़ स्कूल भी जाता है, वो अपने अध्यापक से बहुत सी बातें सीख कर आता है, ये तो वही बचपन वाली बातें दोहराई जा रही है। तुम दुखी हो रहे हो अपने भीतर, लेकिन तुम्हें इतना सा एहसास नहीं है कि विचार असल में है क्या चीज़। और फिर तुम कहते हो कि मैं एक घंटा ध्यान कर लेता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। इतनी सी छोटी बात का एहसास है तुम्हें कि ये विचार असल में है क्या चीज़। 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं हमें, सभी का नहीं, उनमें से किसी एक थॉट का पता है कि ये असल में है क्या चीज़, ये घटना कैसी है। अपने भीतर एक छोटी सी बात को हम पकड़ नहीं पा रहे, और सवाल इतने बड़े कि इस धरती को किसने बनाया। क्या तुमने इस पूरी धरती को देख लिया है कि ये धरती है क्या चीज़। रेत का एक छोटा सा कण, रेत का एक छोटा सा कण तुम अपने हाथों से नहीं बना सकते। अगर मुझे तुम्हें कृष्णमूर्ति की बातों से मोटिवेट करना होता तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता, क्योंकि भीतर अगर कोई क्रांति घटित होती है, देखिए यहाँ पे मैं जो ये क्रांति की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, कि तुम्हें लाइट दिखने लगेगी, तुम किसी और दुनिया में चले जाओगे। क्रांति मतलब भीतर जो स्टिलनेस आती है, स्थिरता आती है, हमें शांति का एहसास होता है, और भीतर झांकने पे मोटिवेशन या शब्द नहीं चलते, वहां ईमानदारी चलती है, और ईमानदार व्यक्ति ही आगे का सफर तय कर सकता है। जैसे तुम पूछते हो कि ध्यान कब होना शुरू होगा, ध्यान का एहसास कब होता है, जब एक व्यक्ति अपने भीतर से ईमानदार होना शुरू होता है, क्योंकि आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तो बहुत ईमानदारी की जरूरत पड़ती है।
अब ये सेल्फ रियलाइजेशन भी कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो थोड़ा और गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रेम को जानने से पहले, जैसे अगर एक व्यक्ति सोया हो, अगर उसे जगाने की कोशिश की जाए तो उसे बड़ा गुस्सा आने लगता है कि क्यों ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है। तो मेरी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लगेंगी आगे। उम्मीदें टूटने का डर भी लगता है। अगर तुम्हें डर लगता है तो कृष्णमूर्ति तुम्हारे लिए नहीं है। अभी तुम तैयार नहीं हो अपने भीतर और गहरा देखने के लिए। जैसे मैंने कहा, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। जैसे प्रेम का एहसास विचार से कहीं आगे की बात है। मेरे हिसाब से, जितना मैं अध्यात्म को जानता हूँ, प्रेम का एहसास हर व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक बहुत गहरी शांति का एहसास है। प्रेम भीतर की जो स्थिरता है उसका एहसास है। लेकिन क्या हो, हमने इस शब्द को बहुत बार फिल्मों में सुना है, इधर उधर। आजकल हम इंटरनेट बहुत चलाते हैं तो वहाँ पे हमने सुना है, इन शब्दों को हमने सुना है। हम ज़्यादातर इन शब्दों को बड़ी बेहोशी से इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हो कि एक व्यक्ति प्रेम को जानना चाहता है। अब प्रेम को जानने का जो प्रयास है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है, ये प्रयास करना, ये खोज करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने सुना है कि प्रेम बड़ी शक्ति है। तो जानने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या हो, प्रेम को जानते समय एक व्यक्ति सोच विचार में, थिंकिंग प्रोसेस में, विचार में ही अटक के रह जाए। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम उस व्यक्ति को याद करने लग जाते हैं, उसके साथ बिताए हुए जो पल हैं हमारे, बहुत सी मेमोरीज हैं, उसका कैसा बर्ताव है हमारे साथ, अच्छा है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे प्रेम है, क्या हम अपने भीतर, अपने दिमाग में जाकर जिसे हम प्रेम कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है, या फिर हम अपने दिमाग में जाकर किसी अच्छी या बुरी मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये अच्छा किया था, मेरी बहुत सी मदद की थी। अगर ये प्रेम है तो क्या हो कि वो व्यक्ति आने वाले 10 सालों में या कुछ सालों बाद वो बदल जाए। अगर मैं अपने आसपास थोड़ी सी नज़र मारूं तो बहुत सी शादियां हुई हैं मैंने देखी, लेकिन उनमें से 3 या 4 लोगों के तलाक हो चुके हैं। अब ज़रा इस बात को गहराई से जानने का प्रयास करो, क्या हो कि वो व्यक्ति बदल जाए कुछ सालों बाद, तो वो व्यक्ति किस चीज़ को प्रेम मान रहा था, किस चीज़ को प्रेम मान रहा था वो, किसी व्यक्ति को याद करना, कुछ अच्छे पलों को जो बिताए थे पहले उनको याद करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या उन मेमोरीज को याद करना प्रेम है? अगर तुम अपने भीतर ये गहराई से देखो कि भीतर असल में हम कर क्या रहे हैं, प्रेम के नाम पे हम एक थॉट प्रोसेस को दोहरा रहे हैं, हम एक थॉट प्रोसेस को प्रेम मान रहे हैं। क्या जीवन में कुछ ज़्यादा बड़े गहरे बदलाव आ सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो प्रेम के नाम पे थॉट प्रोसेस दोहरा रहा है? जैसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या उन जो अच्छी यादें उस व्यक्ति के साथ बिताई हैं, क्या वो प्रेम है? अब अगर तुम अमेरिका गए थे पहले, अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे भीतर सबसे पहली चीज़ क्या होगी? तुम्हें क्या करना पड़ेगा अमेरिका के बारे में बताने के लिए?
भीतर क्या हो रहा है। तो जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अमेरिका के बारे में बताओ कुछ, क्या बिना अपने भीतर अपनी मेमोरी को एक्सेस किए तुम बता सकते हो कि अमेरिका कैसा है? तो जब हम ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेम है, क्या हमें अपने भीतर ये गहरे से गहरा एहसास है कि हम कैसे ये कह पा रहे हैं? क्या हम प्रेम के नाम पे सिर्फ अपनी मेमोरी के साथ खेल नहीं खेल रहे? तो फिर हम कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बहुत गहरा हो पाएगा? हम ये देखें तो सही, हम प्रेम के नाम पे या ध्यान के नाम पे अपने भीतर ही भीतर ये क्या कर रहे हैं? तो जब भी प्रेम की बात होती है, एक और बात जो मुझे ध्यान में आती है वो ये कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई रोमांटिक फिल्म देखी हो या कोई किताब पढ़ ली हो, अब वो कह रहा है कि उसे पता है कि प्रेम क्या है। अब सामने वाले ने ये सारी चीज़ें ना पढ़ी हो, अब सामने वाला व्यक्ति कैसे इस व्यक्ति की उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा? इस व्यक्ति की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ऐसा होता है, प्रेम में ये नहीं करना होता, प्रेम में वो करना होता है, बहुत से रूल एंड रेगुलेशंस। और अगर ये विचार जो मेमोरी से आते हैं अगर वो प्रेम है, तो फिर किसी व्यक्ति को खोने का डर क्यों पैदा होता है? क्या हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं कि वो हमारे अकेलेपन को दूर कर रहा है? या हम प्रेम वगैरह नहीं करते, हम तो अकेले होने से डरते हैं? वो डर बांधे रखता है उस व्यक्ति के साथ। क्या प्रेम का आधार डर हो सकता है? ये रिश्ता कैसा होगा जिसमें हमेशा प्रतिपल ये डर बना रहे कि कहीं ये व्यक्ति मेरे से दूर चला गया तो? ये किस बात का संकेत है? ये प्रेम का संकेत है या अपने भीतर का जो डर है अकेले हो जाने का, ये उसका संकेत है? ये प्रेम का संकेत है या अपने भीतर का जो डर है अकेले हो जाने का, ये उसका संकेत है? अब इस अकेलेपन से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि ध्यान के नाम पे इतने अंधविश्वास फैले हुए हैं। ध्यान के नाम पे सिर्फ लोग या तो किसी लाइट को देखना चाहते हैं, कुंडलिनियां अवेकन करना चाहते हैं, या किसी टेक्निक से अपने दिमाग को सुन करके अपने विचारों को सुला देना चाहते हैं। उन्हें ये इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारे भीतर ये अकेलापन क्या चीज़ है। क्या हो कि एक व्यक्ति अपने भीतर के इस अकेलेपन को जानने का प्रयास करे? जब तक हम अपने भीतर के इस अकेलेपन को देखेंगे नहीं, कुछ लोग बड़ी कल्पनाएं गढ़ लेते हैं कि जब अकेलापन महसूस हो या कोई फिल्म देखने लग जाना, हमें ये पता ही नहीं है कि अगर हम अपने अकेलेपन को देखेंगे, हमने उसे देखा नहीं है, डर इसलिए लगता है। अकेलेपन को जानना और उससे मुक्त हो जाना, और जाने बिना मुक्त नहीं होया जा सकता। क्या वो जो व्यक्ति अपने भीतर से इतना डरा हुआ है, डरपोक है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी को प्रेम कर सकता है? या वो बस अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए सामने वाले का इस्तेमाल कर रहा है? फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा अगर वो अपने अकेलेपन को जान ले और उसके भीतर से ये डर खत्म हो जाए? ऐसे व्यक्ति के साथ फिर रिलेशन या रिश्ता कैसा होगा जो इसलिए नहीं है किसी व्यक्ति के साथ कि उसे अपने अकेलेपन को दूर करना है?
वो फिर भी अपना जीवन उस व्यक्ति के साथ व्यतीत कर रहा है बिना अपने किसी स्वार्थ के लिए, फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? कृष्णमूर्ति प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इतना भी जान लेता है कि प्रेम के नाम पे मैं अपने भीतर ये क्या कर रहा हूँ, वहाँ से एक विनम्रता आती है, और ये विनम्रता ईमानदारी से आती है। ये पहला कदम है प्रेम की ओर। फिर ऐसे व्यक्ति को किसी किताब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम कोई शब्द इकट्ठा करके अपनी मेमोरी में स्टोर करने की बात नहीं है, प्रेम जीने की बात है। प्रेम का अनुभव हो, प्रेम का एहसास व्यक्ति अपने भीतर कर पाए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने भीतर से बहुत ही ईमानदार और सच्चा महसूस कर रहा है, फिर उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता या आनंद आता है, उसे किसी ज़बरदस्ती किसी किताब से पढ़ने की या ज़बरदस्ती किसी मेडिटेशन टेक्निक से ज़बरदस्ती घटित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो व्यक्ति खुश इसलिए है क्योंकि उसके भीतर ऐसी कोई उलझन ही नहीं है। क्या एक डरा हुआ व्यक्ति प्रेम कर सकता है, या एक विचारों में अटका हुआ व्यक्ति प्रेम कर सकता है? अब कुछ लोग एक बहुत ही गलत निष्कर्ष निकाल लेंगे कि विचार हमारे दुश्मन हैं। विचार दुश्मन नहीं है, वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति ने अपने भीतर विचारों को दुश्मन मान लिया हो। विचारों की बात सिर्फ इतनी सी है और यहीं तक सीमित है कि अमेरिका कैसा है, और जब बात आती है जीवन ध्यान या प्रेम की, फिर तर्क काम नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शंस में कुछ लिंक्स हैं जिनके ज़रिए आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।